नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड में आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं झटका मशीन PCB चार्ट। तो दोस्तों, ये झटका मशीन जो ये ट्रांसफार्मर लगता है बड़ा प्लास्टिक वाला, ज़्यादा झटके वाली ट्रांसफार्मर है जिनकी PCB ही है। तो इनकी रेजिस्टेंसों की वैल्यू सभी जो इसमें दे रखी मैंने, सभी टोटल पार्ट्स की PCB की वैल्यू दे रखी मैंने, इसलिए हमें आपको बताते हैं समझाने के लिए। तो दोस्तों, आप आसानी से समझ सकते हैं इससे, इसलिए मैंने सबसे पहले ये जिनर की वैल्यू दे रखी है। इससे ऊपर ये जिनर की वैल्यू है, इसमें एक ही जिनर लगता केवल इस PCB 9 वोल्ट का ये। और दोस्तों, ये टिमपोर्ट की वैल्यू सबसे नीचे दे रखी है, और रेजिस्टेंसों की वैल्यू है डायोड के TWN 616। तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर की जगह क्यू किया हुआ है ये क्यू, और किसी PCB में टी भी हो सकता है। और रेजिस्टेंस की जगह आर है, और वाट ये दिए हुए हैं, ये 1.4 के वही है, तो क्वार्टर वाट हो गई है वो, कहीं 1.2 के वह, ये तो हाफ वाट हो जाती है ऐसे। वाह, ये 1 वाट रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू ये यहाँ पर दी हुई है। यह सभी आपको आसानी से आप देख के इनकी जैसे रेजिस्टेंस जल जाती है, आपको कैसे पता पड़ता है कि इनकी वैल्यू ये होती है। इसलिए ये सभी ये PF होते हैं, इनकी वैल्यू यदि रखी है मैंने, ये यहाँ पर PF की वैल्यू है, और ट्रांजिस्टर के नंबर सब वैल्यू दी रखी है मैंने आपसे, आसानी से आप देख कर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट आते रहते हैं कि हमारे चैनल पे आपने वैल्यू रेजिस्टेंसों की वैल्यू के बारे में सबसे ज़्यादा आते हैं, कैपेसिटर की ये कैपेसिटर होते हैं, इनके भी वैल्यू दे रखी है। आप आसानी से हमारे वीडियो को देख करके आप लगा सकते हैं। ये डायोड है 10 एम्पियर के। तो दोस्तों, सबसे ऊपर नंबर से बताता हूँ आपको, ये जिनर है 9 वोल्ट का, ये 9.1 का जिनर है। फिर बाद में ट्रांजिस्टर आ रही है। तो दोस्तों, ये चार ट्रांजिस्टर इसमें लगते हैं लाइन लाइन। अभी आपको मैंने देख लिया 547 टू ये वाला, 2N60 27 ये वाला, IRA 840 भी लगा सकते हैं 540 ये वाला, TYN 616 ये वाला, और कैपेसिटर दोस्तों ये वाला 470 UF 50 वोल्ट और 2200 UF 25 वोल्ट। दोस्तों, ये PF है यानी पेपर कंडेंसर, ये वाला बड़ा वाला, वो छोटा ये वाला छोटा वाला है ये, इनकी वैल्यू दे रखी है मैंने, यह आपको दिख रही है 1 UF 63 वोल्ट और 0.1 UF 100 वोल्ट ये छोटे वाला। और BTZ ये डायोड है ये वाले चार, इन 85C के होते हैं, BTZX 85C इनके वैल्यू है, नंबर है इनके, और 4007 आपको पता ही है दोस्तों, ये सभी बाकी के डायोड है, ये 4007 है, ये डायोड है 10 एम्पियर के। ये 5408 डायोड लगता है, ये एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक ही होता है 5408 इसमें, ये 3 नंबर पे, ये कोड नंबर नीचे दिए हुए हैं, ये डायोड 3 नंबर, ऐसे सभी के कोड नंबर दिए हुए हैं रेजिस्टेंस। अब दोस्तों, ये इनके नीचे सभी रेजिस्टेंस हैं। अब रेजिस्टेंस 680 के R13 आप ये हाफ वाट की है, यहाँ पर इनकी यह सभी इनकी दी हुई है, हाफ वाट लग सकते हैं और क्वार्टर वाट भी इसमें लगा सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस है 1 M5, मान लो मिली ओम 1500 मिली ओम ये वाली R10 पे, ये आप दिख रही, ऐसे आप पता कर सकते हैं। ये इस हिसाब के टोटल रेजिस्टेंस हैं, वैल्यू मैंने दी रखी है, और ये टिमपोर्ट की वैल्यू सबसे नीचे है। दोस्तों, ज़्यादा बड़ी है वाट इसमें दिए हुए हैं, बड़ी उनके वाट है, बाकी छोटी वाली है क्वार्टर वाट में आपको पता ही है, तो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।